नमस्कार गाइस, सत्यराम। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं दाल बाटी। तो बाटी के लिए देखिए, मैंने 5-6 लोगों के लिए ये आटा लिया है, 1 कटोरा। इस आटे में मैं डालूंगी घी। घी आप चाहे तो गर्म करके भी डाल सकते हो, स्वाद अनुसार नमक। और एक चुटकी में इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा। ये देखिए, एक चुटकी ओनली। आप चाहो तो ना भी डालो तो भी चलेगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ। देखिए, आप इसमें जीरा और अजवाइन भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ, देखिए, ये है साबुत धनिया। तो इस साबुत धनिया को मैं थोड़ा सा क्रश कर लूंगी इस तरीके से, ये देखिए। और मैं ये डाल रही हूँ। अब मैं इस आटे को दोनों हाथों से अच्छे से मैश करूंगी, ये देखिए। कई लोग जो है थोड़ा सा इसमें मिर्ची भी डाल लेते हैं, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। इस तरीके से मैं अच्छे से मैश करके और फिर ये आटा लगाऊंगी। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसको पानी डालते जाएंगे और आटा लगाते जाएंगे। गाइस, इसका आटा थोड़ा सा टाइट लगता है, नरम बाटी नहीं होती है, थोड़ी टाइट लगा के बाटी बनाई जाती है। देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मैं इसको टाइट करूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको अलग रखती जाऊंगी। ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं ये करूंगी कि देखिए गाइस, मैंने इस तरीके से सारे पोर्शन कर लिए हैं। अब इन पोर्शन को मैं एक करूंगी। देखिए, इस तरीके से ये जो बिखरा हुआ आटा है इसको मैं पूरा एक कर दूंगी। देखिए गाइस, ये एक जैसा मैंने कर लिया है। अब थोड़ा सा घी में परात में डाल रही हूँ। आप चाहो तो इस आटे को थोड़ी देर, आधा 1 घंटा आप रेस्ट करने के लिए रख सकते हो। और अगर ना चाहो, जल्दी है आपको, तो आप इसकी तुरंत ही बाटी बना सकते हो। कि देखिए, घी लगाने से ये फटाफट से आटा लग जाता है हमारा। ये देखिए, ये देखिए। और अब हम इसकी जो है बाटी बनाना स्टार्ट करेंगे। आप जब इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ोगे इस तरीके से करके, और ऊपर इस तरीके से कटोरा रख के आप आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये देखिए गाइस, ये हमने गोल गोल बाटी बना ली है। देखिए, मैं बताती हूँ, ये पोर्शन लिया हमने, इस तरीके से करा। ये देखिए गाइस, मेरा जो पहले वाला दाल बाफले का जो वीडियो है वो आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए, अब देखिए ये यहाँ से इस तरीके से कर देंगे और ये बाटी बनके हमारी तैयार है। इसका शेप साइज अपने अकॉर्डिंग आप रखिएगा। आपको गोल करनी है, आपको थोड़ी सी चपटी करनी है, मोटी करनी है, आपको छोटी करनी है, जो भी है वो अपने हिसाब से करिएगा। देखो, इस तरीके से भी बनती है, इस शेप की भी बाटी बनती है, बट मैं इसको बिल्कुल गोल रख रही हूँ। देखिए, यहाँ से फटी हुई है, इस तरीके से इसको हमने कर दिया और अब इसको हम गोल कर देंगे। देखिए, ये देखिए बनके तैयार है। ये देखिए गाइस, हमारा ओवन है वो जो गर्म हो गया है, इसके ऊपर अब हम बाटियां जमाएंगे। देखिए, आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी आप बाटी आसानी से कर सकते हो। मेरे आने वाले वीडियो में मैं माइक्रोवेव में बाटी बनाना भी आपको बताऊंगी। और आप दाल वाफले का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। ये देखिए, और अब हम इसको थोड़ा कम करके और ऐसे सीखने देंगे, फिर इसको उल्टा करके फिर हम इसका ढक्कन लगाएंगे। ये देखिए गाइस, ये बाटी हमारी हो गई है।
अब हम इसको उल्टी कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से हम इसको सारी बाटियों को उल्टा कर देंगे। देखिए आप, ये मैंने सारी बाटियां उल्टी कर दी है और अब हम इसको ढक्कन लगा के फिर सेकेंगे। तो हमने हमारा देखिए ढक्कन लगा दिया है और अब हम 2 या 3 मिनट बाद इसको फिर से चेक करेंगे। देखिए गाइस, ये हमारी बाटी बनके तैयार होने वाली है। हम इसको फिर से उल्टा कर देते हैं, देखिए सिक गई। ये देखिए, ये देखिए आप, ये सिक गई हमारी बाटी। थोड़ी 2 मिनट के लिए और ढक्कन लगाएंगे हम, पहले इसको उल्टा कर देते हैं कहीं जल नहीं जाए। ये देखिए, फिर से मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर सेक रही हूँ। ये देखिए, अब हम चेक करेंगे। ये देखिए गाइस, ये सिक गई है। अब आप चाहो तो अपन घी लगा सकते हैं इसके, बट मैं थोड़ा सा और जो है कुरकुरे करूँगी इसको, ये ब्राउन हो जाएगी जब तक करूँगी। ये देखिए आप, कितनी अच्छी है, सीखी है देखिए। लेकिन मैं फिर सब बाटियों को भी ऐसा ही करना चाहती हूँ, तो थोड़ी देर में और इसको ढककर रखूँगी, 2-3 मिनट बाद में। ये देखिए गाइस, बाटी हमारी हो गई सिक के तैयार। अब हम इनको घी लगाएंगे। ये देखिए गाइस, ये घी हमने गरम करके पिघला लिया है। बाटी हम लेंगे, इस तरीके से इसको फोड़ेंगे, इसमें हम डीप करेंगे घी के अंदर, देखिए। और इसको अब हम जो प्लेट में परोसनी है उसमें हम परोसेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं जो अपनी सारी बाटी है उनको डीप कर लूँगी घी में। चला दिया, ये देखिए गाइस, मैंने सब में घी लगा दिया है और अब इस तरीके से हम में थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। आप चाहो तो पूरा बाटियों का चूरा करके भी परोस सकते हो, आप ऊपर से घी डाल सकते हो। देखिए इस तरीके से मैंने, जब तक बाटियों में घी नहीं अच्छे से जाएगा बाटियों को खाने का मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, ये हमारी सारी बाटी बनके तैयार है। तो गाइस, अगर मेरा ये जो बाटी का जो वीडियो है ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और देखिए, ये हम कढ़ी और गट्टे की सब्जी से भी हम खा सकते हैं, बट यहाँ हमने दाल रखी है। आप मेरा दाल का वीडियो है, दाल बाफले का वीडियो आप देख लीजिएगा प्लीज़। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज़।